बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल हादी 2.6 ईयर पे एक ADHD के में डायग्नोसिस के साथ मेरे पास आया। उसमें पिछली वीडियो अभी तक विद इन अ वीक और सो उसके साथ जो एफर्ट्स हुई हैं वो कुछ अपडेट भी मैंने शेयर किया पहले भी। उसके रेपिटेटिव बिहेवियर्स जो है वो बहुत नोटिसेबल थे शुरू से ही। उसने अपने स्पेसिफिक पैटर्न्स बनाए हुए थे चीज़ों को करने के, उन पैटर्न से हटने के लिए वो विलिंग नहीं था। बेसिकली रेपिटेटिव बिहेवियर्स जब होते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे, हाँ वो ADHD में आए या ASD में आए या सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में आए या सिंपल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे आए, जिस पर भी आए बच्चा, वो ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं, उसके हर एक्शन का हिस्सा होते हैं, उसकी हर स्टिमुलेशन पे प्रोसेस का हिस्सा होते हैं रेपिटेटिव बिहेवियर्स। और वो उन सेम पैटर्न्स को फॉलो करना चाहते हैं जिस पे उसने लास्टली काम किया होता है, जिस पे उसने लास्टली परफॉर्म किया होता है या जिस पे उसने ज़्यादा परफॉर्म किया होता है, उन पे वो स्टक हो जाता है। स्टार्ट में इसका पैटर्न जो था बहुत बड़ी चैलेंजिंग स्टेट जो थी वो ये थी कि ये किसी भी पजल को, वुडन पजल को डिफरेंट जो है वो पीसेस को लगाना चाहता था, पीसेस को उतारना नहीं चाहता था बिकॉज ऑफ रेपिटेटिव बिहेवियर्स। देन स्टैकिंग के हवाले से उसका यही था कि मैं चीज़ों को स्टैक करके ऊपर टावर बनाऊँ, उतारूँ नहीं। और अगर उसको हम उतारने की कोशिश करते थे या पीस पजल को हम निकालने की कोशिश करते थे उसके सामने, चाहे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं या उससे निकलवा रहे हैं, तो उसको वो डिस्टर्ब करता था। वो डे वन उसका किस तरह से हमने ब्रेक किया वो अलग वीडियो में आप देख चुके हैं। अब उसने जब उसने फॉर गुड 4-5 सेशंस उसके इन एब्सेंस ऑफ मदर हुए तो वो उसने सेटल हो गया उस एनवायरनमेंट में। लेकिन जिस दिन हमने उसको मदर को इन्वॉल्व के साथ किया कि भी वो आके उस रूम के अंदर मौजूद रहें, सिर्फ इंटरेक्ट भी ना करें, सिर्फ प्रेजेंट रहें, तो उनकी प्रेजेंस को उसने किस तरह से रिएक्ट किया वो चीज़ इसमें थोड़ा सा मैं आज की वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम उसको ये है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बहुत अच्छी है उसकी एबिलिटीज़ हैं और चीज़ें उसकी बहुत इनक्रेजिंग हैं मेरे लिए, लेकिन उसका रेपिटेटिव बिहेवियर टू फॉलो द थिंग्स द सेम वे वो स्ट्रेंथन्ड है। उसके लिए वो स्वियरली रिएक्ट करता है जब भी उसके विश के अगेंस्ट कोई काम होता है या उस पैटर्न के ख़िलाफ़ कोई काम होता है तो उसके लिए वो रिएक्ट करता है। मकसद कहने का ये कि ये रेपिटेटिव बिहेवियर ब्रेक कैसे होता है, आई जस्ट वॉन्ट टू हाईलाइट दैट। रेपिटेटिवनेस जो चीज़ स्ट्रेंथन करती है उसमें बहुत बड़ा रोल गैजेट्स का होता है, स्क्रीन्स का, जिसमें राइम्स, कार्टून्स, डिफरेंट कमर्शियल्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये देख देख के एक ही अंदाज में, एक ही पैटर्न पे, एक ही टाइम पे, एक ही पोस्चर में बच्चे का ब्रेन जो सीख लेता है अगेंस्ट प्री लर्निंग स्किल सीखने के बजाय बच्चे का माइंड क्या लर्न कर लेता है कि ही हैज़ टू रिपीट द थिंग्स इन द सेम वे। इस सोर्स का कट ऑफ होना सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये टोटल ज़ीरो पे हो, बच्चे को 24 आवर्स के दरमियान उसको कोई भी एक्सपोजर ना हो स्क्रीन्स का, जिसमें ये म्यूज़िक, जिसमें ये राइम्स, जिसमें ये कार्टून्स, कमर्शियल्स, ये डिफरेंट चीज़ें जो भी वो देखता है, ये चीज़ें एक्सपोजर उसको ना हो, ना देखने को ना सुनने को, फॉर एट लीस्ट एन ईयर और सो दैट कि उसका माइंड इस रेपिटेटिवनेस को जो उसने लर्न कर ली है, अडॉप्ट कर ली है, ब्रेन ने सीख लिया है, उसको वो अनलर्न कर दे। ये बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। देन इसके साथ साथ हमें उसके साथ ड्रिल्स भी करनी ज़रूरी है। ड्रिल्स में जो चीज़ एम्फसाइज करने वाली होती है या फोकस करने वाली होती है वो ये होती है कि हम चीज़ों को रैंडम कराएं, उसको किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न पे ना कराएं, स्पेसिफिक पोजीशन पे ना कराएं, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ना करें, कोई स्पेसिफिक पैटर्न उसको ना मिलने पाए किसी भी चीज़ को करने का फॉर मैक्सिमम टाइम ऑफ द डे। जितना हम ये सोर्स को कट ऑफ कर लेते हैं, ज़ीरो पे ले आते हैं, और
इसके साथ साथ ये ड्रिल्स हम जब हम करते हैं, अब ये रेपिटेटिवनेस ब्रेक होती है। स्टार्ट में बच्चा बिल्कुल रिएक्ट करता है, बहुत सीवियरली और एग्रेसिवली रिएक्ट कर सकता है, वी शुड बी रेडी फॉर दैट कि उसने बच्चे ने रिएक्ट करना ही करना है, बिकॉज दिस इज वेरी नेचुरल कि उसकी विश के अगेंस्ट जब काम होगा तो उसने रिएक्शन शो करने हैं, रिएक्ट करना है, टेंटम थ्रो करनी है, उसको डिस्टर्बेंस होनी है। ये रिएक्शंस कितने सीवियर होंगे ये डिपेंड करता है उसकी एज पे, जितनी एज ज़्यादा हो जाती है उतने ही बिहेवियर स्ट्रांग हो जाते हैं, और एट द सेम टाइम सीवियरिटी पे भी डिपेंड करते हैं, जितना सीवियर उसका केस होगा डायग्नोसिस में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे उस पर भी डिपेंड करते हैं। लेकिन ये ब्रेक हो जाती है, इनिशियली हमें बहुत चैलेंजिंग होता है हमारे लिए इसको हैंडल करना, छोटा सा बच्चा है 2.5 साल का, इसको हैंडल करना कितना मुश्किल होता है ये वीडियोस में आप देख सकते हैं कितना सीवियरली वो रिएक्ट करता है टू द चेंजेस। ऑल्दो उसने कुछ चेंजेस एक्सेप्ट करनी शुरू कर दिए कि विद इन द सेशन हम एक्टिविटीज़ को चेंज कर रहे हैं, उसको वो टॉलरेट कर रहा है, उसको वो इन्जॉय भी कर रहा है। फ्लक्चुएशन उसके बिहेवियर्स की अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो एक दिन वो बहुत खुश बहुत अच्छा बिहेवियर शो कर रहा है क्योंकि उसको कोई बिग चेंज उसको हमने नहीं दी बड़ी नोटिसेबल, लेकिन नेक्स्ट डे जब हम उसको एक चेंज एक्सपोज करते हैं मदर का उस कमरे के अंदर मौजूद होना, तो वो उस पर किस तरह से बिहेव करता है ये देखने के काबिल है कि उसका बिहेवियर किस तरह सीवियरिटी में किधर तक जाता है। वेयर एज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट समबडी इज इन द रूम अदर देन मी, उससे पहले डिफरेंट लोग कमरे के अंदर और भी होते हैं, बच्चे भी और थेरेपिस्ट भी और मेरी टीम के मेंबर कोई और भी, लेकिन मदर चूंकि वहाँ पर रोज़ नहीं होती है डे वन से, तो फिफ्थ डे सिक्स डे जब वो मदर को हम बीच में इन्वॉल्व करते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, लेट्स सी दिस इन द वीडियो। बट आई एम वेरी श्योर एट द सेम टाइम कि ये जितना हम इसको रेंडमाइज करते रहेंगे इसके पैटर्न्स को चीज़ों को, इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा और ये चीज़ें इसके लिए नॉर्मल हो जाएंगी, उसके रिएक्शंस उसके अगेंस्ट द चेंज जो है उसकी सीवियरिटी में कमी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। दैट वुड बी द मोमेंट वंस ही विल स्टार्ट लर्निंग, अब उसका लर्निंग पैटर्न जो है वो एक टिपिकल डेवलपमेंट वाले बच्चे की मानंद होगा इंशाल्लाह, एंड दैट डे इज नॉट फार ऑफ वंस ही विल बी ओके विद द डेवलपमेंट इंशाल्लाह ताला। आई एम वेरी होपफुल अबाउट द बॉय बिकॉज ऑफ ही हैज एन एज, उसकी एज का उसको एज है, सीवियरिटी में मॉडरेट लेवल की सीवियरिटी है लेकिन बिहेवियर स्ट्रेंथन्ड है, एग्रेशन ज़्यादा है, तो वो जो जो हम उसको मैनेज करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह। लेट्स सी हिज टुडेज सेशन। Thank you.
ऐसे प्रॉब्लम है रेपिटेटिव बिहेवियर। रेपिटेटिव बिहेवियर क्या करता है, जो काम जिस तरह किए उसी को डिफरेंटली नहीं करता।
भाई भाई बाथरूम गया था भाई। Yeah.
वो ऐसे नहीं हो सकता कि हम कहते हैं चार दिन में हम ट्रेन करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, वो उसमें आदत आहिस्ता आहिस्ता आएगी। जिस तरह शुरू में पदर पीस लगाना चाहता था निकालना नहीं चाहता था, टावर बनाना चाहता था उतारना नहीं चाहता था, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आज ये ड्रिल की है, नेक्स्ट टाइम इसमें भी प्रॉब्लम उसको नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं दोबारा आपको बुलाऊंगा एक दो दिन बाद ताकि फिर आप इसको करें। पहले दिन तो इंटरेक्शन ही नहीं था ना, ये मैम की ऑब्जर्वेशन है कि उसमें पहले दिन इसको सिर्फ हम मैनेज कर रहे थे, कोई इंटरेक्शन नहीं। आज इंटरेक्शन के साथ साथ उसमें वो कर रहा था, बंद कर इसके साथ इसके साथ इसके साथ, यानी कि पार्शल अटेंशन दे रहा था, आप कहें फुल नहीं दे रहा था, पार्शल दे रहा था। तो ये चीज़ें इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फर्क आती है। उस दिन की रोने की अगर मैं ड्यूरेशन देखता हूँ या रिएक्शन की, तो आज के मुकाबले में वो इतना था और ये इतना है। ठीक है, सेटल हो गया, जल्दी हो गया, उधर पहले दिन नहीं हुआ था सेटल, इधर जितनी जल्दी भी वीडियो रिकॉर्डेड है इससे पहले 5 मिनट लगे होंगे शायद हमने जो मिस किया रिकॉर्डिंग में, जिसमें सीवियर बिहेवियर का था, वो इतनी देर उसने लिया टॉयलेट करने में, अब खामोश। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना कोई दर्द थी, ना कोई पेने का मसला था, प्रॉब्लम सिर्फ रेपिटेटिव बिहेवियर है। इसलिए इसकी हर चीज़ को रैंडम करना, स्क्रीन तो नहीं देख रहा टोटल जीरो है, ये दो चीज़ें टोटल जीरो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स और आपकी अब क्या ऑब्जर्वेशन है, अब तक थोड़े से दिन हुए क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी, इम्प्रूवमेंट लग रही है? ठीक है, ये जो ये रोने रोने का मसला नहीं है, मारना नहीं, सख्ती नहीं करनी, दर्द है, भूख है, उसका ख्याल करना है, बाकी रोने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बिहेवियर है, रिएक्शन है उसका, वो उसने करना है और ऐसा ऐसा काम करना है, ये भी बात हमें पता है। ठीक है, कोई चीज़ आपको बहुत डिस्टर्ब की हो अभी अभी इन दिनों में कि बहुत बड़ा यानी कि नेगेटिव इफेक्ट उसका हो रहा है, कोई कोई नेगेटिव उसका बिहेवियर तो नहीं था? कम्फर्टेबल है, ठीक। बस इसके साथ ये जो आपको मैं वीडियो शेयर करता हूँ, इसी तरह की ड्रिल्स आप होम एनवायरनमेंट में करते रहें उससे फर्क पड़ेगा।